रात के आकाश में चंद्रमा के बाद दूसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है वीनस प्लैनेट। ये भी शनि की ही तरह हमारे सौरमंडल का एक खूबसूरत प्लैनेट माना जाता है, मगर हकीकत में ये हमारे सोलर सिस्टम का एक जीता जागता नरक है। जी हाँ, ये ग्रह सबसे ज्यादा गर्म भी है। वहाँ पर हर 10 किलोमीटर पर एक बड़ा ज्वालामुखी भी है और उस दुनिया में लगातार एसिड्स की बारिश होती रहती है। यहाँ तक कि इंसानों के सारे अंतरिक्ष यान शुक्र की धरती पर उतरते ही पिघल जाते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इसका पूरा वायुमंडल घने बादलों से ढका है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये प्लेनेट हमें सुंदर दिखाई देता है। इसकी इसी खूबसूरती के कारण इसे सौरमंडल की रानी कहा जाता है। इस प्लेनेट का नामकरण यूनान की प्रसिद्ध देवी वीनस के नाम पर किया गया है, जो सुंदरता, समृद्धि और डिजायर्स की देवी मानी जाती है। कई पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि युद्ध के देवता मार्स के साथ उनके लव अफेयर्स थे। वे सबसे सुंदर और आकर्षक देवी मानी जाती थी। सब्सक्राइब टू नैनाफिकेशन फॉर मोर, लीव अ कमेंट बिलो। प्राचीन भारतीय संस्कृति में बताए गए नव ग्रहों में शामिल ये राहु और केतु आखिर कौन हैं? क्या ये दोनों कोई माइथोलॉजिकल दैत्य हैं जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण बनते हैं, या इसके बिल्कुल विपरीत ये कोई खगोलीय पिंड है? अगर हाँ, तो ये हमारे सोलर सिस्टम के किस हिस्से में मौजूद हैं? आपको वाकई ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये राहु और केतु न तो हमारी अर्थ और मार्स की तरह कोई टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, न ही जुपिटर की तरह कोई विशाल गैसियस जॉइंट है, और न ही कोई एस्टेरॉइड्स है। दरअसल ये कई सदियों पहले लिखे गए नवग्रह स्तोत्र में मौजूद दो ऐसे गणितीय बिंदु हैं जो महर्षि वेदव्यास की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग और खगोलीय ज्ञान का प्रमाण हैं, जिसका वर्णन उन्होंने अपने नवग्रह स्तोत्र में किया है। जी हाँ, राहु और केतु कोई खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि ये दो जियोमेट्रिक पॉइंट्स के नाम हैं, जिन्हें आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स पर एक्लिप्सेस होते हैं और सदियों पहले इन पॉइंट्स की पहचान की जा चुकी थी। सब्सक्राइब टू नैनाफिकेशन फॉर मोर, लीव अ कमेंट बिलो। इंसानी प्रजाति का दूसरा घर कहे जाने वाले मंगल ग्रह की धरती पर मौजूद है एक ऐसा गगनचुंबी पहाड़ जिसका इतिहास भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट और अजीबोगरीब पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला से भी कई गुना बड़ा मंगल ग्रह का वो ओलंपस पहाड़ क्या महज एक ज्वालामुखी का मुहाना है, या कि वो गैस चैम्बर है एक ऐसी सो कॉल्ड एलियन सभ्यता का जो मार्स प्लेनेट की धरती के नीचे अपने अंडरग्राउंड शहर बनाकर रह रही है? दरअसल एक्सप्लोरर्स का मानना है कि हमारे माउंट एवरेस्ट से भी तीन गुना बड़ा ये ओलंपस मॉन्स एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जो आज से करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर हुए भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट का सुराग है। इसकी खोज साल 1879 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर जियोवन्नी शापारेली ने अपने महज 8 इंच के साधारण से दूरबीन से की थी। एंशियंट ग्रीस माइथोलॉजिकल टेक्स्ट के अनुसार अपोलो, पोसाइडन एंड एफ्रोडाइट सरीखे 12 देवी देवता ओलंपस नाम के एक पवित्र पहाड़ पर रहते हैं, इसीलिए इसे यही नाम दे दिया गया। सब्सक्राइब टू नैनाफिकेशन फॉर मोर, लीव अ कमेंट बिलो। हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी से तकरीबन 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 140 किलोमीटर प्रति सेकंड की बेलगाम रफ्तार से हमारी मिल्की वे आकाशगंगा की ओर बढ़ती ही आ रही है। कई अंतरिक्ष विचारकों का मानना है कि जिस रफ्तार से गैलेक्सी हमारी तरफ आती जा रही है, ऐसे में आज से लगभग 400 करोड़ सालों बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों ही आकाशगंगाएं आपस में टकरा जाएंगी और ये भिड़ंत इतनी भयंकर होगी कि ये अपने बीच आने वाली हर चीज को तबाह करके रख देंगी। बड़ा सवाल यही है कि जब ये ब्रह्मांडीय घटना घटेगी, तब हमारी पृथ्वी और हमारी इंसानी सभ्यता का क्या होगा? दरअसल कॉस्मोलॉजिस्ट्स का विचार है कि चूंकि इन दोनों गैलेक्सीज के सितारों के बीच गैप बहुत ज्यादा है, इस वजह से जब ये दोनों आकाशगंगाएं टकराएंगी, तब बेहद कम संभावना है कि इनके सितारे आपस में टकराएंगे। ज्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों ही गैलेक्सी मर्ज होकर एक नई गैलेक्सी बना लेंगी, जो होंगी मिल्कोमेडा गैलेक्सी। सब्सक्राइब टू नैनाफिकेशन फॉर मोर, लीव अ कमेंट बिलो। क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? पौराणिक कथाओं के मुताबिक हर एक ब्रह्मांड के अपने एक ब्रह्मा, अपने एक विष्णु और महेश होते हैं, मगर इनके भी दो अहम पहलू हैं। एक है महाविष्णु और दूसरे हैं सदाशिव। आज से तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स एगो जब हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, वो उससे पहले भी मौजूद थे और यकीनन इस सृष्टि के विनाश के बाद भी वो मौजूद रहेंगे। क्या महाशिवरात्रि इन्हीं पौराणिक विचारों का इंडिकेशन है, या इसके पीछे कोई और रहस्य है? यूं तो एक साल में 12 शिवरात्रियां आती हैं, पर सबसे खास है वो जो फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को आती है, क्योंकि इसी दिन स्वर्ग से उतरने वाली गंगा नदी को शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। इसी दिन निराकार सदाशिव साक्षात शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी दिन पार्वती जी की कठोर तपस्या के बाद शिव ने उनसे विवाह
विवाह किया था। इसी दिन समुद्र मंथन से निकले भयानक विष कालकूट को शिव ने ग्रहण किया ताकि धरती पर हरेक प्राणी सुरक्षित रह सके। आखिर 14 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है वैलेंटाइन डे और क्या है इसकी वो शर्मनाक हकीकत, आइए जानते हैं। बात है आज से लगभग 1700 साल पुरानी, जहां एक तरफ सेंट वैलेंटाइन थे जो लव मैरिज के समर्थक थे, तो वहीं दूसरी तरफ था राजा जो लव मैरिज के सख्त खिलाफ था। दरअसल ये बात है वर्ष 270 ईस्वी की, जब रोमन सम्राट क्लाउडियस ने देखा कि उसके सारे सैनिक लड़कियों की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, जिससे साम्राज्य सुरक्षा के अपने मकसद से उनका ध्यान हटता जा रहा है। सम्राट ने अपने सभी सैनिकों पर लड़कियों से मिलने, उनसे कोई भी संबंध स्थापित करने और यहाँ तक कि उनकी शादियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए। मगर ये बात एक रोमन पादरी वैलेंटाइन को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने खुलकर अत्याचारी राजा का विरोध किया। जब सम्राट को इसकी भनक लगी तो उसने सेंट वैलेंटाइन को राजद्रोही घोषित करके 14 फरवरी को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। इसीलिए उनकी याद में इस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन फॉर मोर, लीव अ कमेंट बिलो।